हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। देशव्यापी लॉकडाउन में क्या स्थिति है हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि कई जगह पैनिक भी बना हुआ है, तो अपने घर की तरफ लोग पैदल भी निकल रहे हैं और ये सबसे दुखद है विकास। और शायद यही वजह है कि लोग समझ नहीं रहे कि लॉकडाउन से उन्हें ही फायदा होगा, लेकिन दिहाड़ी मजदूर इस लॉकडाउन में काफी परेशान भी हो रहे हैं। तो देखिए, परेशानी में आप गलत कदम उठा रहे हैं। आपको अपने घरों पर ही ठहरना है या जहां ठहरते हैं रहते हैं वहीं रहना है। आप दोनों को बता दूं, प्रतिमा और कुमकुम, कि इन लोगों के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन शायद सरकार की कोशिश इन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप हमारी एक रिपोर्ट देखिए और इसमें लोगों की परेशानियां और अपील भी सुनिए। जब इसको खाना नहीं मिलेगा तो मरेगा नहीं मरेगा? खाने के लिए एक दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है, दिल्ली में लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके के लोगों तक शायद ये खाना नहीं पहुंच रहा। मेरे पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। अच्छा, कल 4 दिन से सुबह एक आंटी आई हमें खाने देने को, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी मार के भगा दिया। तो सबको मारा, हमारे पापा चाचा सबको मारा। एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों से सामाजिक दूरी बनाने को कह रहे हैं, एक दूसरे से दूरी रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रधानमंत्री की बात को नहीं मान रहे। कुछ लोग पैदल ही अपने घर गांव लौट रहे हैं। अब राशन लेने के लिए जाते हैं तो 36 रुपए किलो आटा देता है, 120 रुपए किलो दाल देता है, 40 रुपए टमाटर, 40 रुपए आलू प्याज सब महंगा कर दिया है। अब बताओ सर, हम लोग कहाँ से खाएंगे? रोज कमाकर खाने वाले मजदूर अब लॉकडाउन के बाद महंगाई की मार झेल नहीं पा रहे, इसलिए ये लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं। कोरोना ना फैले इसलिए पीएम मोदी ने सामाजिक दूरी की अपील की। लोगों ने प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी, रास्ते में जहां तहां फंस गए। ऐसे लोगों के लिए यूपी में योगी सरकार 6 रूट पर 21 बसें चलाएगी। ये बस रास्ते में फंसे लोगों को घर पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री की अपील ना मानकर लोग खतरे को बढ़ा रहे हैं। शहर से गांव में लोगों की वापसी कोरोना के खतरे को बढ़ा सकती है। सरकार ने लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान भी किया है, इसलिए हमारी सरकार से एक अपील है कि जरूरतमंद लोगों को जाने से रोका जाए, उन्हें वहीं पर सुविधाएं पहुंचाई जाए। आप अपने आसपास अगर ऐसे किसी भी ग्रुप को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनकी मदद कर सकें, कुछ खाने को दे सकें। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।